एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह द्वारा रविवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के थाना जीआरपी पर महिला सम्मान एवं आत्मसुरक्षा हेतु महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत थानों पर आने वाले आगंतुक शिकायतकर्ता पीड़ित महिलाओं की आधुनिक महिला हेल्प डेस्क एवं आगंतुक कक्ष का उद्घाटन किया गया। थाना पर खोले गए महिला हेल्प डेस्क एवं आगंतुक कक्ष पर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 112, 1090 व 108 का स्टिकर चस्पा कराया गया। महिला हेल्प डेस्क पर महिला संबंधी प्राप्त समस्त शिकायतों को दर्ज करने हेतु एक कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल व एक रजिस्टर रखा गया। साथ ही वहां पर पीने का शुद्ध पानी, कुर्सियां, सादा कागज और कलम रखा गया। इस अवसर पर जीआरपी थाना के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिन्हा सहित जीआरपी व आरपीएफ के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तत्पश्चात गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की संवेदनशीलता के दृष्टिगत एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आरपीएफ से समन्वय स्थापित कर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म व ट्रेन ओवर सर्कुलेटिंग एरिया में डॉग स्क्वाड की सघन तलाशी व चेकिंग किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए थाना प्रभारी जीआरपी उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कोई समस्या है इससे महिलाओं के साथ कोई भी अगर अपराध होता है या महिलाओं के साथ किसी पर कोई दिक्कत है तो अपनी सूचना के महिला हेल्प डेस्क देंगी, उस पर तत्काल तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों की चेकिंग चल रही है। हाँ, 26 जनवरी के मद्देनजर ट्रेनों की भी चेकिंग चल रही है। जो महिलाएं गायब होती हैं, मतलब जैसे कोई भी लड़की या महिलाएं भटक भटक के स्टेशन पे आ जाती हैं तो उनसे नाम पता पूछते, उनके परिजनों को सूचना देकर उनको सुपुर्द किया जाता है उनके परिजनों को। हाँ, 8-8 घंटे के लिए 3 महिला शिफ्ट में ड्यूटी लगी है, 24 घंटा महिला हेल्प डेस्क चालू रहेगा।